हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एलोरा गुफाएं। ये क्लास नंबर 11 है। आप इसके नोट्स साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड वीडियो स्टॉप करके बनाते चलें, नोट्स ज़रूर बना लें। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यूके एलटी ग्रेड जीआईसी आरपीएससी स्कूल टीचर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस समय यूपी टीजीटी में 148 वैकेंसी निकली हैं। चलिए शुरू करते हैं। एलोरा गुफा। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा अजंता से 135 किलोमीटर दूर है स्थित है। एलोरा का स्थानीय नाम बेरुल है। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों का संगम है। एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या है गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म गुफाएं पाई जाती हैं। गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये एलोरा गुफा की एक पिक्चर, ये एंट्रेंस बना हुआ है। ये दूसरी पिक्चर है जिसमें एक ये हाथी है। ये एंट्रेंस है इधर, ये बाकी पूरा मंदिर टाइप का बना हुआ है। एलोरा गुफा का निर्माण 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य हुआ। इस प्रकार 900 वर्ष तक एलोरा में कार्य होता रहा। एलोरा का सर्वाधिक प्रमुख भगवान शिव का कैलाश मंदिर है, जो गुफा संख्या 16 में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णा ने करवाया था। तीन सौ फुट लंबे 50 फीट चौड़े एक विशाल पर्वत को काटकर इसका निर्माण किया गया। इस गुफा में 30 लाख लोगों ने कार्य किया है। इस मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। इसके निकट ही नंदी का मांडव तथा पार्वती गणेश, रुद्र, चंद्र और सप्तमृतक के छोटे मंदिर हैं। एलोरा के गुफा संख्या 16 में
पौराणिक गाथाओं के सुंदर चित्र तथा शिव पार्वती नंदी महालक्ष्मी इंद्र आदि की प्रतिमाएं हैं। एक ये पिक्चर है जिसमें ये शेर घूमता हुआ टाइप का दिख रहा है। ये मंदिर के जस्ट सामने बनी हुई है, बहुत सुंदर पिक्चर है। और दूसरी पिक्चर ये है, जो मंदिर टाइप की लग रही है। और एक पिक्चर ये रही, ये एंट्रेंस है यहाँ पे। अगली पिक्चर ये है, इसमें ये मंदिर का पूरा बना हुआ है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, जो कहते हैं शेर टाइप का दिख रहा था, तो इसके ऊपर बना हुआ है ये जो। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, जिसका नाम है सिगिरिया गुफा। यह गुफा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका किसके लिए फेमस? एक फिश कल्चर के लिए और एक टूरिस्ट के लिए। इस समय श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। प्रेसिडेंट रूल लग चुका था। आगे देखते हैं, इसमें सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम असुरक्षित रहने के बाद 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज का एक अधिकारी को सिगिरिया गुफा के बारे में पता चला। सिगिरिया गुफा के चित्र अंतिम चित्रकारी से काफी मिलते जुलते हैं। 1889 ईस्वी में मुरे ने सिगिरिया के कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। बाद में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1905 तक इन चित्रों को संरक्षित करने के कई प्रकार के कार्य करवाए। जैसे चित्रों को जाली से ढका गया, जाली तार की बनी हुई थी। 1967 में चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर पड़ा, जिसकी सुरक्षा हेतु भारत तथा विदेशों से सुरक्षा विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। आगे इसमें कश्यप प्रथम के अनुसार इन चित्रों का निर्माण समय 473 ईस्वी से लेकर 491 ईस्वी के मध्य हुआ है। श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का उल्लेख आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में रचित ग्रंथ विशुद्ध दिगम नामक ग्रंथ में किया है, लेकिन चित्रों के प्राचीन अवशेष सिगिरिया गुफा में
प्राप्त होते हैं। सिगरिया में कुल 6 गुफाएं बनी हैं। यहीं पर 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं। पहले कक्ष में 17 आकृतियां हैं, दूसरे कक्ष में 4 आकृतियां हैं। पहले कक्ष की नारियां कुछ ज्यादा लंबी हैं, दूसरे कक्ष की नारियां कम लंबी हैं। सिगरिया में मिट्टी पर चित्रकारी की गई है, जबकि अजंता में सूखी भित्ति के चित्रण हैं। सिगरिया में अजंता का नील रंग बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सिगरिया में नारियों के नयनों की पुतलियों को अलग अलग रंगों से चित्रित किया गया है। कहीं कहीं हल्के पीले रंग तो कहीं कहीं हरे रंग भी चित्रित हैं। ये सिगरिया गुफा का यहाँ से चला जाता है, ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये यहाँ पे ऊपर आके बना है, पहाड़ के एकदम ऊपर ही ऊपर बना है। ये एंट्रेंस है यहाँ से। आज इसमें इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए टुगेदर।